आप सभी दीदियों को हमारी तरफ से नमस्कार। आज इस वीडियो में आप सभी दीदियों को हम बताएंगे कि क्यों नहीं मिल रहा है सामुदायिक शौचालय का पैसा। तो दीदी, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि क्या कमी है, कहां से नहीं आ रहा है पैसा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर हमारे SSG प्रेरणा टीवी चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई नई जानकारियाँ आप सभी को मिलती रहे। तो आइए दीदी, आप लोगों को बताते हैं कि क्यों नहीं मिल रहा है सामुदायिक शौचालय का पैसा। तो दीदी, आइए आप लोगों को बताते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। और इस सामुदायिक शौचालय की देखभाल के लिए स्वयं सहायता समूहों की जिम्मेदारी में सामुदायिक महिला स्वयं सहायता समूह की महिला को केयरटेकर के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके लिए? साफ सफाई के लिए महिला को नियुक्त किया गया है। सामुदायिक शौचालय के अंतर्गत नागरिकों को फ्री शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध कराया गया है। इसी कार्य के लिए उसकी साफ सफाई देखभाल के लिए केयरटेकर महिला को नियुक्त किया गया है और उसको मानदेय दिया जाता है। केयरटेकर महिला का भुगतान 2 किस्तों में, पहले प्रारंभिक माह में और दूसरा 6 माह बाद स्वयं सहायता समूह के खाते में सामुदायिक शौचालय केयरटेकर महिला को दी जाती है। पर अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है सामुदायिक शौचालय केयरटेकर महिला को मानदेय? इसमें कहीं ना कहीं सामुदायिक शौचालय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण सामुदायिक शौचालय केयरटेकर महिला का पैसा नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। सामुदायिक शौचालय केयरटेकर महिला का मानदेय सीधे महिला केयरटेकर के बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए। तो दीदी, यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।